अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैफ़ एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक फंचेस पाकिस्तान। दोस्तों अभी मैं एक जो है ना, आप समझें कि वो प्रॉब्लम लेके आप लोगों के सामने आया हूं जो कि हर ब्रीडर और हर फैंसियर और हर न्यू कॉमर के जो है ना नॉर्मल सी प्रॉब्लम है। वो ये सिंपल सी, अब वैसे तो मैं भी इस वीडियो के अंदर टॉपिक जो है मेरा वो गोल्डियन है, क्योंकि मुझे कॉमेंट रिसीव हुआ था एक दोस्त का, हमारे एक सब्सक्राइबर का, कि मेरे पास गोल्डियन का पेयर है, वो डांसिंग करता है, बाउंडेड है, महीना दो हो गए हैं उसको, ठीक है, दो महीने हो गए, मगर स्टिल अब तक कोई ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं है। अब ये प्रॉब्लम जो है ना वो हर एक ब्रीडर के साथ है। अब वो चाहे डव का ब्रीडर है, चाहे वो लवबर्ड का ब्रीडर है, या चाहे वो बजरीकर का ब्रीडर है, या चाहे वो फिंच का ब्रीडर है, जिसका भी ब्रीडर है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, हर ब्रीडर के साथ ये इशू है। अब ये खाली गोल्डियन का मसला नहीं है, देखें अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। देखें, पेयर का बाउंड होना इसका मकसद ये नहीं है कि वो आपको ब्रीड देगा ही देगा, ठीक है। बर्ड का ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर भी आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नर मादि का जोड़ा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जोड़ा लग गया है तो हमारे पास 110% बच्चे आ जाएंगे, अंडे आ जाएंगे। बर्ड का ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर मूव ऑन होना भी ज़रूरी है। अभी कुछ बर्ड जो है वो नेचुरली इन्वायरमेंट के मुताबिक वो मूव कर जाते हैं ब्रीडिंग मोड के अंदर अपने, बट कुछ बर्ड्स नहीं करते तो उनको फोर्सफुली करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको पहले एक और चीज़ बताता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो नेचुरली ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं यार, वो जब अपनी कंडीशन के अंदर आएगा तो ब्रीड कर जाएगा। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं गोल्डियंस के बहुत सारे पेयर्स लगे हैं, ठीक है। हमारे पास या मेरे पास, मैं अपनी बात करूँ, हमारे पास इस तरह होता है कि मेरे पास अगर 20 पेयर है गोल्डियन का, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा 20 का पेयर 20 पेयर लगाने के साथ ही अंडे बच्चे देना शुरू कर देगा। मेरे पास आप यकीन करें कुछ ऐसे पेयर हैं जो लगाते ही मुझे विद इन अ वीक उन्होंने एग्स दिए, कुछ ऐसे पेयर हैं जिन्होंने 2 महीने लिए, और कुछ ऐसे भी पेयर्स हैं जो 4 महीने 5 महीने हो गए अब जाके उन्होंने लेंगे स्टार्ट किए, बट आई एम स्टिल हैप्पी। मुझे पता है कि उन्होंने थोड़ा सा टाइम अपना वेस्ट किया एग्स ले करने में, मगर अब मैं इस बात का श्योर हूँ, इस बात पे श्योर हूँ, और मैं जो हूँ मतलब आप समझे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है ब्रीडिंग लेने के लिए, ब्रीड लेने के लिए। तो स्टिल अब उन्होंने क्लच अपना ले किया है, और मज़े की बात ये कि जो बर्ड ज़्यादा टाइम ले के क्लच ले करता है वो फर्टाइल क्लच देता है। तो ये कि अब मेरे पास अंडे आ गए, देन आई विल फोस्टर दे एंड रिपीटेड मेरे पास अंडे आते रहेंगे। तो मकसद ये है कि वेट करना चाहिए, और अगर आपका बर्ड पूरा सीज़न ऐसा गुजर गया ब्रीड नहीं किया, और अगर स्टिल 5-6 महीने हो गए, अब ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने मैंने इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ था, मैं इसको ब्रीडिंग सप्लीमेंट्स दे रहा था। ब्रीडिंग सप्लीमेंट्स के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं बर्ड को ब्रीड पे लेके आने के लिए, सिलीनियम और मल्टीविटामिन, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सबका अपना अपना आता है। एविफॉर्म है यूके की, ठीक है, कोयको है बेल्जियम की, फिर इसके बाद आपका वर्सली लागा है बेल्जियम की, और नेक्टॉन है जर्मनी की, वीटा फार्म है ऑस्ट्रेलिया की, और मेले के वो भी जर्मनी की है। तो ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सब कंपनियों के अपने अपने सिलीनियम मतलब विटामिन ई और मिक्स मल्टीविटामिन आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप विटामिन ई यूज़ करें, बर्ड्स को जब भी विटामिन ई यूज़ करें, आपने लाजमी जो है ना अपने बर्ड को मिक्स मल्टीविटामिन देना है। अब बर्ड को हीट पे लेके आने, ब्रीड पे लेके आने के लिए अगर आप एवरेज प्राइस की बात करें कि मेरे एवरेज प्राइस के अंदर अच्छा विटामिन और अच्छा ई सिलीनियम आ जाए, तो पोल्ट्री के बेस पर है मियलिक, वो भी इंपोर्टेड जर्मनी फार्मूला है और वो भी बहुत अच्छा है, लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर अपर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर हमारे पास वीटा फार्म का है, ठीक है, आप वो वीटा फार्म का सॉलिविटी ब्रीडर यूज़ कर सकते हैं। उसमें विटामिन ई इतनी हैवी मकदार के अंदर नहीं है, मगर ये कि उसके अंदर मिक्स मल्टी ब्रीडिंग मल्टी विटामिन हैं। इसके साथ अगर आप बर्ड को हीट पे लेके आना चाहते हैं या ब्रीड लेना चाहते हैं कि यार वो जल्दी एग्स ले करें, तो वीटा फार्म का ब्रीडिंग एड ऑयल आता है, बेहतरीन रिजल्ट है, दाने के अंदर दिया जाता है, 3-6 दिन का कोर्स होता है उसका, आप वो यूज़ करें। उसके बाद फिर आप रिपीटेड उसको मल्टीविटामिन पे लेके आ जाएं, सॉलिविटी ब्रीडर। इसके अलावा आप जो वर्सली लगा का फर्टिविट ऑमनीवेट का कॉम्बिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। एवी फॉर्म कंपनी का जो है एवी गोल्ड एडवांस फ्यूट्रा 12 और कैल्सी फॉर्म, ठीक है, फ्यूट्रा 12 और हैवी गोल्ड एडवांस, इनका कॉम्बिनेशन बना के आप दे सकते हैं। फ्यूट्रा 12 के अंदर विटामिन ई सिलीनियम है, और हैवी गोल्ड एडवांस जो है वो ऑल इन वन है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स मल्टी विटामिन भी हैं। और इसके अलावा नेक्टॉन कंपनी का नेक्टॉन ई और एस आता है, आप उसका कॉम्बिनेशन बना के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। अभी ये छोटी सी टिप थी, ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने पहले तो वो रीज़न जो है डिस्क्राइब किया। लोग ये समझते हैं कि अभी मैंने काफ़ी सारे फैंसियर्स को, मैंने बहुत से लोगों को बर्ड्स दिए हैं, ठीक है, अपनी इस जर्नी के अंदर मैं जब से बर्ड्स कीपिंग कर रहा हूँ,
जाहिर है अगर मैंने दो जोड़े रखे हुए मेरे पास तकरीबन 20-25 जोड़े बच्चों का आ रहा है तो मैं इतना तो होल्ड नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मैं सेल करूँगा एंड इट्स माई बिजनेस। ठीक है, तो हम देते हैं। अभी मैंने कितने लोगों को बर्ड सेल किए हैं, कोई 3 पेड़ लेके जाता है बच्चों के, कोई 2 लेके जाता है, कोई अडल्ट लेके जाता है। होता क्या है, उसके बाद हर जोड़ा नहीं चलता। अभी एक मेरे पास छोटी सी स्टोरी है, हमारे नियरेस्ट ही हैं, एक नेबर हैं, उनको मैंने 2 पेयर गोल्डियन के 2022 के अंदर दिए थे, अडल्ट पेयर्स दिए थे उस टाइम पे। उनके पास पूरा साल एक पेयर चला ही नहीं, और एक पेयर इतना बेहतरीन उनके पास चला, वो फोस्टर भी कर रहे थे और साथ पलवा भी रहे थे। मतलब उनका ये साइकिल था, 2 क्लच फोस्टर करते थे, 1 क्लच जो है वो खुद गोल्डियन से पलवाते थे, और माशाल्लाह पाल भी रही थी अच्छी तरह। उनका ये साइकिल रिपीटेड 1 साल रहा, और उन्होंने कोई 20 से 30 के दरमियान बच्चे अपने लिए होल्ड किए, बाकी सेल भी किए। आप यकीन करें, वो जब मेरे पास लेके आए मोल्ड करवा के, उन्होंने कहा मुझे पेयरिंग्स कर दो इन बर्ड्स की। मैं शॉक्ड, मैंने बोला यार आपको मैंने 2 पेयर दिए थे जिसमें से 1 पेयर था आपका चला ही नहीं, एक ही चला उसने इतना बच्चा आपको दे दिया। देन वो जो 1 पेयर उनके पास था जो नहीं चला था, उन्होंने उनके बच्चों के साथ कॉम्बिनेशन किया उनका, ठीक है, पेयर अप किया, और देन अभी उनके पास जो है ऑन ब्रीड 15 से 16 पेयर हैं अपने घर के। तो अगर हम अच्छी डाइट बर्ड को देते हैं, उसको टाइम देते हैं, उसको तवज्जा देते हैं, तो ऑब्वियसली वो बर्ड ब्रीड करके हमें देता है, और उसका जो फीडबैक हमें मिलता ही मिलता है। और इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत में बरकत है। जब ठीक है आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें आपको बरकत डाल के देता ही देता है, और आपको उसका रिजल्ट, उसका फीडबैक हमेशा मिलता है, चाहे वो फिर किसी भी किस्म का काम हो। तो मकसद ये, बर्ड को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और हर किसी के पास ये कॉमन मसला है कि यार मैंने 10 पेड़ लिए थे, 1 चल रहा है, बाकी 9 नहीं चल रहे, 9 चल रहे हैं, 2 नहीं चल रहे, 1 नहीं चल रहा। तो ये रीजंस आते रहते हैं, ठीक है। ये हर ब्रीडर के पास का इशू है। हमारे पास भी अगर 40-50 या 100 पेड़ लगा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 100 का 100 ब्रीड कर रहा है, ठीक है। अब वो नसीब होते हैं उसमें से सबसे अच्छी ब्रीड कुछ पेयर कर रहे होते हैं, कुछ एवरेज कर रहे होते हैं, कुछ सीजन के मिड में स्टार्ट होते हैं, कुछ सीजन के एंड में स्टार्ट होते हैं, कुछ पूरे सीजन स्टार्ट नहीं होते, नेक्स्ट सीजन बहुत अच्छी ब्रीड करके देते हैं। इतनी अच्छी ब्रीड करके देते हैं कि हमारे प्रीवियस सीजन के अंदर जो बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे थे उनको भी कॉम्पीट कर जाते हैं। तो ये एक साइकिल है, ठीक है। हम कोशिश कर सकते हैं, मगर इसमें आपने वो डिसार्ड नहीं होना कि यार मेरे इतने पेयर चल रहे हैं, इतना नहीं चल रहा है, तो सबसे महंगा था, ये तो सबसे सस्ता था। तो ये सब जो है अल्लाह ताला के हाथ में। हम कोशिश कर सकते हैं आप अच्छी डाइट बर्ड को दें, अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड अच्छे दें, विटामिंस दें, तो ये है कि इंशाल्लाह आपका बर्ड स्लो 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 जो है वो अच्छी ब्रीड पे आ जाएगा। आई होप आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी वीडियो इसके लाइक इस तरह की चाहते हैं कि मैं आप लोगों के टॉपिक के ऊपर डिस्क्राइब करूँ, देखें जो मैंने इस हॉबी के अंदर सीखा, जो हासिल किया, जो टाइम लगा के मैंने जो है इस हॉबी को स्टडी करके, मतलब इस शौक को आप लोगों के सामने, वो सारी किताबें खोल के मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है। मैं ना कोई स्क्रिप्ट बनाता हूँ, ना मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड होती हैं, जो मेरे अल्फाज होते हैं वो आप लोगों के सामने होते हैं। कभी थोड़े कम होते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा होते हैं, मगर ये मेरी जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक होते हैं। और खाली मेरा एक्सपीरियंस नहीं, बहुत से ऐसे ब्रीडर्स हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, तो हम उनसे भी सीखते रहते हैं, तो वो सब आप लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह होते हैं। ये नहीं कि 2 मेन चीज़ें छुपा दी, 4 नॉर्मल चीज़ें बता दी, जो है सब है। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं आपके टॉपिक के मुताबिक या आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के मुताबिक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट के अंदर अपना प्रॉब्लम या अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं मेरे लिए। मगर उसके लिए आपको मस्ट चैनल सब्सक्राइब करना है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स का ही खाली क्वेश्चन उठाता हूं, व्यूवर्स का नहीं उठाता। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप कमेंट के अंदर अपना कोई भी प्रॉब्लम, अपना कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आई विल मेक वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।